हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुकबी सुधा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी व हेल्दी नाश्ता। आप इसे आटे का उत्पम या फिर आटे का वेचीला बोल सकते हैं। फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आज ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3/4 यानी कि 1/4 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम 1/4 कप सूजी डाल देंगे। आप चाहे तो 1/2 कप सूजी और 1/2 कप आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे एकदम लेवल से कर लिया है, तो ये 1 कप है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ ना डालकर हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप खट्टा दही डालेंगे। अगर खट्टा दही नहीं है तो 1/3 या 1/2 कप डाल दीजिएगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ बैटर हमारा तैयार है, क्योंकि अब हमने इसमें सूजी डाली है। तो इसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है, जिससे सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। टॉपिंग के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं। तो एक मीडियम साइज़ की 1/2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, छोटे साइज़ की ग्रेट की हुई गाजर, थोड़ी सी धनिया पत्ती, मीडियम साइज़ का 1/2 बारीक कटा हुआ टमाटर, मीडियम साइज़ का 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो सारी सब्जियों को ऐसे ही रखें या फिर मिक्स कर दीजिएगा। अगर आप मिक्स कर देते हैं तो आपकी कुकिंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। और इसमें नमक जो हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि सब्जियों के अंदर जो मॉइस्चर होता है नमक डालने से वो रिलीज होने लगता है। तो फिर मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब नमक इसमें नहीं डाला है, इसलिए हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 2 पिंच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है और 1/4 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। ये मैंने सिर्फ अच्छे कलर के लिए डाली है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो फिर ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर बैटर को रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही थोड़ा सा यानी 2 चम्मच के लमसम पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना पतली है ना गाढ़ी। जिस प्रकार से केक का जो बैटर होता है ना, सेम उसी तरह से ये बनाना है। इसके बाद 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। इसकी जगह आप इनो फ्रू सॉल्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो 1 कप पानी लिया था, तो 2 चम्मच के लमसम पानी बच गया है। तो सबसे पहले तवे को हम हल्का सा गर्म करेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद बैटर को हमें बॉल में अच्छे से मिक्स करना है। 1 कलछी बैटर को हमें तवे के ऊपर इस प्रकार से हल्का सा स्प्रेड करना है, बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। फ्लेम को लो या लो टू मीडियम कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी अच्छी जालियाँ बनी हैं। सब्जियाँ डालने के बाद हमने जो मसाला तैयार किया था इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद जो है स्पैचुला की मदद से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे सब्जियाँ अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे कवर कर देंगे। तो फिर 2 मिनट हो गए हैं, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी बटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो हम इसे पलट देंगे। अगर आपको क्रंची चाहिए तो आप इसे खुला ही 1 मिनट पकाएं, नहीं तो आप इसे कवर करके 1 मिनट पकाएं। तो फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे खुला ही 1 मिनट पका लिया है। तो ये उत्तपम हमारा तैयार हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने ये दूसरा उत्तपम भी तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए गेहूं के आटे से बना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। इतने बैटर में आपके 6 उत्पम तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी में यहाँ मैंने सॉस रख दिया है, लेकिन आप जो है गरम गरम उत्पम को नारियल की चटनी, हरे धनिये की चटनी या फिर तड़के वाले दही के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।